शाम से मजा ही आ गया। फाइनली शाम का जो है वो पहला दिन और बारिश शुरू हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम एकदम सुहावना है और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। एक ही बैंगन था बस, और मैं और श्रेया दो ही हैं खाने वाले, तो बस एक बैंगन हमारे लिए काफ़ी है। इधर चाय भी बना रही हूँ साथ साथ, क्योंकि जाना है स्कूल और सुबह का रूटीन मेरा पता ही होता है। फटाफट पहले नाश्ता बनाने लगती हूँ, पहले मेरा ढाबा खुल जाता है उसके बाद मेरा और काम होता है। तो यहाँ पर बैंगन मैंने भून लिए थे, तो बस चाकू से ऐसे कर ले रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बहुत गर्म था तो मैंने हाथ से नहीं किया कुछ इसको। तो बस यहाँ पर प्याज टमाटर सब भून गया है मेरा, और इसमें नमक हल्दी मिर्च सब जाएगा। और बैंगन की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा श्रेया खुश होकर नहीं खाती है, लेकिन भरता इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो भरता बना देती हूँ। तो बस अब मेरा ये जो है भरता वो कंप्लीट होने वाला है, और भरता बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब एक तरफ उसको सिम पे करके भूनता रहा और दूसरी तरफ मेरा और काम हो गया सुबह सुबह का। तो बस यहाँ पर आई हूँ फटाफट, मैंने ये देखिए मैगी मसाला ज़रूर इसमें मैं डालती हूँ। मैगी मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और श्रेया को बहुत पसंद है मैगी मसाला, कहीं भी डाल दूँ तो श्रेया की वजह से मुझे और डालना पड़ जाता है। तो बैंगन के भरते बिना मैगी मसाले का टेस्ट हो गजब का था। और यहाँ पर मैंने ना फिर से देख रही हूँ तो बारिश एक कम हो ही नहीं रही है, क्योंकि मैं खाना बना के बीच में देखने जा रही हूँ कि मुझे स्कूल जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, बारिश कम ही नहीं हो रही है। यहाँ पर खिड़की भी मैंने खोल दी है किचन की, और खिड़की से ही देखिए कितनी बारिश दिख रही है। पता चल रहा है कि आज बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही एकदम बारिश झमाझम हो रही है। तो यहाँ पर मेरा बैंगन का भरता बन गया, और साथ में बन गई है मेरी रोटी। तो बस चार पांच रोटी बनानी थी क्योंकि मैं और श्रेया ही थे। और यहाँ पर देखिए अब आ चुके हैं मेरे पतिदेव भी वहाँ से घूम घाम के, और मैं स्कूल से इनको सीधे लेकर ही आई हूँ। आज तो पापा का बड़ा अवगत हो रही है। हाँ, जब आते तभी अवगत होती है। चलो पानी वानी दो, खाना खिला दो। तो यहाँ पर मैं इनको लेके आ गई हूँ, और स्कूल गई थी बस सीधे स्कूल से, मतलब 1:30 बजे मेरी छुट्टी हुई और 1:30 बजे आ गए थे हिसार में। तो बस मैं इनको लेती हुई घर पे आ चुकी हूँ, और देख सकते हैं 2:30 बज गए, मतलब 1 घंटा तो लगता ही है वहां तक जाने आने में लेने में। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब मैं चलती हूँ इनके लिए कुछ बनाती हूँ फटाफट, क्योंकि मैं भी स्कूल से ही आई हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ तब फटाफट लगती हूँ काम पे। पर ये इनका सामान पड़ा है, देखती हूँ थैले में कुछ लेके आए हैं, और सूटकेस तो इन्हीं का है। तो इनको पानी वानी दी हूँ और ये भूखे थे, तो मैंने कहा पहले मैंगो शेक जो है वो बना देती हूँ, तब तक ये पी के बैठेंगे आराम से, टीवी भी देखेंगे या नहाएंगे धोएंगे, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। तो ये देखिए मैंगो शेक बन गया, और मुझे भी भूख बहुत तेज लगी थी तो मैंने कहा एक एक गिलास सब लोग पहले पी लेंगे। है राखी जो ये श्रेया की बुआ ने दी है, तो ये राखी इनकी है। और यहाँ पर मिठाई भी आ गई है साथ में, बर्फी है बिल्कुल प्योर खोए की। और मम्मी ने ये देखिए कितना अच्छा अचार बना के दिया है, बहुत अच्छा है। बारिश के मौसम में एकदम हो गए पकौड़े तैयार। वाह, मुझे पकौड़े पता नहीं आजकल कितने पसंद आ रहे हैं, जैसे बारिश होती वैसे ही बनवा रहे हैं। तो पकौड़े ऐसे हो रहे हैं, तो भाई मैं जा रही हूँ, ठीक है, जाने से पहले मुझे जैसे खिला पिला के भेजो, मोटा करके भेजो, ज्यादा की फ्लाइट ही ना चल पाए। कितने गंदे हो यार आप लोग। पेरेंट्स गिव्स सच अ विटी रिप्लाई, मतलब कल पापा भी ऐसे, मैं पापा को कह रही हूँ, मैंने कहा पापा अपने घर में बहुत सारा पुराना सामान हो गया सब ना निकालते चलो, पापा कह रहे सबसे पहले तो तुम्हें निकालना है। बोला हद होगी, दोनों ऐसे हैं हस्बैंड वाइफ, इतने ज्यादा विटी रिप्लाई करते हैं। अपने ही बच्चे पे करेंगे बताओ। तो और क्या, दूसरे के बच्चे पे करेंगे लड़ाई नहीं। कितना अच्छा मौसम हो रखा है, मेरे तो सारे लोग कहते हैं कि इंडियंस को इतना पसंद क्यों आता है रेनी सीजन, पता नहीं क्यों पसंद आता है, क्योंकि थोड़ी कम बारिश होती है लगता है इंडिया में। बड़ा सुंदर लग रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। अभी खाने मैं तो अभी इस टाइम तक खाती हूँ बस। तो मुझे करवाने जाना था अपना पासपोर्ट साइज फोटो, बट बारिश होने लग गई तो बस पकौड़े का माहौल बन गया फोटो की जगह। चटनी बनाओगे कि नहीं? चटनी तो बनेगी, बिना चटनी के क्या पकौड़े? ऑफ कोर्स हमारे घर में चटनी के बिना पकौड़े खाने का रिवाज है ही नहीं, नहीं। और आज मेरी मम्मी मुझे इतनी क्यूट लग रही है, मन कर रहा है मैं इनकी चोटी खींचती जाऊं। हट। काम नहीं करने दे रही है, इतना सारा काम पड़ा है। काम नहीं, नहीं काम करती नहीं, और दूसरा का काम उल्टा बढ़ाती हूँ।
मैं घी बना रही हूँ। जैसे भी हो आती की लड़की। देख इतना सारा तेरे लिए घी भी बना रही हूँ, ये भी देख ले। मैं कॉलेज लेके जाऊंगी। हाँ इसकी तैयारी कर रही हूँ, देसी घी घर का बना रही हूँ। अब जैसे भी हूँ गंदी हूँ अच्छी हूँ आप ही की औलाद हूँ। आज मेरे टॉप कैसा लग रहा है? अच्छे अच्छा लग रहा है। न्यू टॉप आज मैंने पहना है, ये देख और भाग दिखा रही हूँ। इट्स लुकिंग गुड। मेरा मन किया मैंने कहा लाओ पहन के थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है नए कपड़े पहन के। और अब तो हेयर स्टाइल भी ऐसा करवा लिया ना, बिल्कुल यंग सी लगने लग गई। फिर तो मैं यूं पतली हो जाऊंगी, यूं सिंपल खाना खाऊंगी तो पतली तो होंगी होंगी। और देखो मैं भी इतना झमेला तो बना नहीं सकती वहाँ पे, तो मुझे तो जो खिचड़ी उचड़ी मिलेगी वो तो खाना पड़ेगा, तो मैं भी पतली हो जाऊंगी। अच्छा यार रात को भी कह रही थी पापा मम्मी का लगवा दो वीजा, मम्मी भी चलेगी। मेरा इतना मन है ना क्या ही बताऊं। मेरे स्कूल का क्या होगा, छोटे छोटे चुन्नू मेरे स्कूल के चुन्नू मुन्नू कैसे संभलेंगे? और पता है आज हम राज की बताओ, नहीं नहीं मेरी बात सुन पहले, जब आपका खुद के बच्चे को आपकी जरूरत है तो एक साल तो त्याग सकती हो ना उसके लिए। एक साल में मेरा सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना दोबारा से। अच्छा। एक साल में नई टीचर आ जाएगी संभाल लेगी। नई टीचर आ गई मेरे से अच्छी आ गई तो मुझे दफा कर देंगी। कोई ना फिर आप दूसरे स्कूल ज्वाइन कर लेना, उससे ज्यादा क्या होगा। इतना साल का आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आपको थोड़ी ऐसे कोई नहीं लेगा। नहीं नहीं ये तो है, लेकिन मुझे पता नहीं इस स्कूल से प्यार भी ज्यादा है, मतलब ये स्कूल नहीं लगता है एकदम अपनी फैमिली हाँ घर जैसा लगता है। और यहाँ के जो सारे बच्चे हैं मेंबर्स हैं वो काफी पुराने हैं, तो इतना ज्यादा अटैच हूँ कि अपने परिवार के जैसे ही है। एक चीज है जो वर्किंग वुमेन होती है ना वो घर बैठ ही नहीं सकती है, ये चीज है, मतलब उनके बस का ही नहीं होता। बोले खुद अपना करियर बनाओ, हमें अपना बना ले दो। बना ले दो अब क्या कह रहे थे स्कूल का? मैं कह रही हूँ आज एक बच्चे की मम्मी आई, वो ऐसे कह रही है हाय मैम आप वही हो ना जो वीडियो बनाते हो, ऐसे करके हाथ पे लिखा। हाँ हाय मैं तो आपको ना मोबाइल में देखती थी, आज मैंने आपको सचमुच का देखा। और रे भैया मेरे को ऐसी एक मिनट के लिए फीलिंग आई जैसे हीरो हीरोइन नहीं होते लोग, मतलब पहली झलक देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अरे तो देख लो ना, मैंने कहा देख मुझे देखने के लिए क्यों तरस रहे हो, देखो। तो ये कह रही थी हाँ मैं तो आपको आपकी सारी वीडियो देखती हूँ और आज मुझे आप सच में देखने को मिली है। और फिर आज वो आई लेने तो कह रही है मैम एक बात बताओ, मुझे लगा बच्चे के बारे में कुछ पूछ रही है अपने, बोली एक बात करनी है आपसे। मैंने कहा हाँ करो, बहुत धीरे से सीरियस हो गए। फिर कह रहे आपका फेस हमेशा चमकता रहता है, मैंने कहा इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, आपने देखी नहीं? बोली नहीं मैं दो तीन दिन से बहुत ज्यादा बिजी थी तो आपकी कोई वीडियो नहीं देख पाई। तो मैंने कहा तो भैया जल्दी से जाओ और वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने अपनी स्किन का राज डाल रखा है कि मैं अपनी स्किन के लिए क्या करती हूँ। और इनकी खुद की औलाद कुछ नहीं करती है। वैसे तो जिसकी मम्मी है ये सब चीजों में रहती है ना फैशन में आगे। भैया मैं सीधे से बोल रही हूँ उनकी बहू भी ऐसी आती है कि कोई बिना फैशन करने वाली है, और श्रेया की बेटी भी ऐसी होती है। और मेरे को दुनिया से देखने का शौक है, मेरे को दुनिया जहाँ बहुत सिंपल है तो ये बहुत फैशनेबल निकल रही है। हाँ। मैं थोड़ी सिंपल हूँ, मेरी मम्मी को कोई मतलब ही नहीं है। बात ये है कि मेरे पकौड़े बनाओ, मेरा टाइम हो रहा है यार इंटरमीडिएट फास्ट शुरू करनी है मुझे। सारे बोलेंगे अभी खाएगी कचरा भी करेगी इंटरमीडिएट फास्ट। पता चल गया इस माँ बेटी का कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, इनके तो गुजारा हो गया, मेरा तो मोटापा में गुजारा होना है। YouTube फैमिली को ये अच्छी तरह पता चल गया है, इनके बस का पता नहीं है कुछ नहीं है। सॉरी चाकू दिखा रही थी, चाकू दिखा रही है हमको खाने में बक पकाने में और आस पास ना भाई काम करने में भी। जाके देखो मेरे स्कूल में कितना मेरा नाम है, बहुत ज्यादा सारे बहुत जाएंगे अब स्कूल। हाँ और मैं नहीं स्कूल के साथ साथ घर भी कितने अच्छे से मैनेज करती हूँ, ये भी तो आप लोग देखते ही हो वीडियो में। ओके आई एम नॉट गोइंग बाय, ऐसा नहीं है मैं करती ना इसलिए बाय जा रही हूँ। यहाँ पर बातों के अलावा मतलब काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं नहीं करती अपना काम, मैं थिंक अबाउट माय सीधी पढ़ने में अच्छी है, मैं तो यही कह रही हूँ पढ़ती रहती भाई पढ़ाई में नहीं पीछे रहती। तो खाना वाना भी बनाना आता है इसका, तो एक किलो तो घी तेरा आज ही हो गया तो बस चल जाएगा ये, फिर बस थोड़ा थोड़ा लगाना होता है मुझे उस पर। नहीं मैं और अभी बना दूंगी जब तक हो जाएगी एक बार, बस हो जाएगा यार। बात ये है कि फ्लाइट में कहीं पता चले टेम्परेचर इतना गर्म हो जाए टपकता रह जाए मेरा पूरा बैग खराब हो जाए। घी बन के रेडी है और ये श्रेया की थोड़ी सी चाय है जो गर्म कर पकौड़े के लिए मैंने बचा के रखी थी। पकौड़े के लिए भी कोई चाय बचा के रखता है? पकौड़े बिना चाय के और चटनी आपने बनाई नहीं, बताओ। चटनी बना रही हूँ, ये डाल देती हूँ जब तक ये होगा तब तक चटनी बन जाएगी। चलो मल्टीटास्किंग। हाँ हाँ आई बड़ी मल्टी टास्किंग।
श्रेया ले, श्रेया कह रही मम्मी वो ना आटा गूंथने वाला मंगवा लेती हूँ। बस 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 यार बहुत मुश्किल होती है आटा गूंथने में, बहुत उसमें 2 मिनट में गूंथ जाता है। मैं तो सोच रही थी कि मुझे रोटी मेकर करके ऐसे रोटी चिपका नहीं देता है। मैं तो सोच रही थी एक रोबोट ला देती हूँ जो तेरे मुंह में भी खिला दे, वो भी दे देती हूँ तेरे साथ। पीजी में लोगे क्योंकि पीजी में खुद कमाऊंगी ना तो खुद पे खर्चा कर सकती हूँ, ना आप लोगों पे ज्यादा लोड ना आ जाए। अच्छा चल चटनी डाल देंगे सारी घी वाली। हाय 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 खा ले। ये सुख कहाँ यार कॉलेज में, ये सुख कहाँ कॉलेज में। पर मैं ना जब ना जॉब करने लगूंगी ना तो मैं ऑटोमेटिक रोटी मेकर ले लूंगी प्रोसेसर। अच्छा बस चल खा ले तू। देखो 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 इंडियन मदर्स इनको बर्दाश्त ही नहीं है कि अगर आप रोटी तो हाथ से ना कूदो बिल्कुल।